अस्सलामुअलैकुम, हमारे साथ सना मौजूद हैं। सना अपना इंट्रोडक्शन देंगी। जबरदस्त। अच्छा सना, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है किसी चीज का, तो आई वांट कि आप हमें थोड़ा सा इसमें डिटेल बताएं कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करें और क्या क्या करें। क्या ये सब लोग जो है वो डेफ हैं? जी, ये सब डेफ हैं। जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, ज्यादातर डेफ ने जो है वो इसको लगाया है, और हमारे हर स्टॉल पे एक हेयरिंग भी बैठे हैं साथ में एज एन इंटरप्रेटर। ओके। और ज्यादा जो है वो डेफ हैं जो इस चीज को रन कर रहे हैं आज की एग्जीबिशन। हम देखना शुरू करें इनको। जी बिल्कुल। इनसे इंट्रोडक्शन हम पहले लेते हैं। हाय, ये इनका नाम क्या है? अलिश्पा। ओके, तो अलिश्पा क्या कर रही हैं आज? मैं पेंटिंग कर रही हूँ, आर्ट फॉर हेयरिंग कैप डिसेबिलिटी के से ताल्लुक करने वाले जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। जबरदस्त अलिश्पा, आपका बहुत अच्छा काम है, बहुत जबरदस्त है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब ये देखें दूसरा एक और हमारे पास है जो पेंटिंग हो रही है। सना इनका नाम? शी इज आयशा। आयशा, ओके। आयशा शी इज देयर। ओके, और ये पेंट कर रही है लाइंस के लिए। क्या बना रही है ये? ये ब्लाइंड और डिफरेंट डिसेबिलिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए आर्ट कर रही है। उसमें हैंडीकैप भी है, ब्लाइंड भी है, डेफ भी है, जैसे कि आपको पिक्चर में पेंट होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इनका रिजल्ट कब आएगा, ये जो बच्चे यहाँ पे अभी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं? जैसे ही अपना कंप्लीट कर लेंगे पूरा आर्ट वर्क, उसके बाद हम इनके जो है वो शो करेंगे और फिर अच्छा ऑडियंस। अच्छा, यही सारा आर्ट और टैलेंट इनको यही सिखाया जाता है? बिल्कुल। हमारी आर्ट टीचर जो फाइन आर्ट की मिस आसमा, साइमा, अहमद, दे ऑल आर फाइन आर्ट टीचर्स। ओके। अच्छा जी, अब ये थर्ड हम देखते हैं कि थर्ड ये क्या कर रही है। ideas. Yes, exactly. बहुत अच्छा जा रहा है जनाब इन सब का काम।
आप लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चूज करना. Yes, of course, as I am saying कि who will be the jury persons. Yeah. Let's see. Now I'm just deciding कि who will decide this. Artwork thing. Yeah. And also we have a mehndi competition also here.